हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। सो दिस टाइम अगेन वी आर विद दिस बुक रेनबो पार्ट वन फॉर क्लास 11th एंड वी आर ऑन पेज चैप्टर नंबर 3 अ स्नेक इन द ग्रास रिटन बाय आर के नारायणन। ओके, सो हम लोग जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। पहले इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड करें, हम लोग इसको ये आर के नारायण साहब के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, कुछ लोग हम लोग समझ लेते हैं। तो ये हैं आर के नारायणन, ठीक है। कहते हैं कि रासीपुरम कृष्णस्वामी नारायण 1906 टू 2001, इनका जो लाइफ स्पेन है, इनका जो जीवन काल है वो 1906 से लेकर 2001 तक था। द साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर इन 1960, और ये साहित्य अकेडमी अवार्ड भी ये जीते हुए हैं 1960 में इनको मिला था। वाज वन ऑफ द मोस्ट accomplished एंड वेल नॉन इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। कहता है कि वो वॉज वन ऑफ द मोस्ट, एक बहुत है ना, बहुत बड़े, बहुत ही ज़्यादा accomplished मैंने होता है दोस्तों परिपूर्ण, या इसको हम लोग निपुण कह सकते हैं, कंप्लीट कह सकते हैं, एंड वेल नॉन, और बहुत ही जाने माने थे इंडियन राइटर्स, भारतीय लेखकों में से जाने माने थे। और वो लिखते किस में थे? इंग्लिश में, इन इंग्लिश, क्लियर है। रियलिज्म आयरनी, कहते हैं कि यथार्थवाद आयरनी व्यंग एंड ह्यूमर और हास, ये जो थे आर द डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंथ, इनके एक पर्टिकुलर एक विख्यात बल थे, इनके इनकी ताकत थी ऑफ हिज वर्क्स। वो जो काम करते थे, वो जो लिखते थे, उनके लिखने का जो अंदाज़ था, उसके हास्य का अंदाज़, उसके व्यंग का अंदाज़, या उनके यथार्थवाद का अंदाज़, ये बहुत ही निराला था, बहुत ही प्रबल हुआ करता था। ही पेंट्स द इडियोसिंक्रेसीज ऑफ पीपल, कहते कि वो पेंट करते हैं, वो आर के नारायण क्या करते हैं, पेंट करते हैं, उसको बिल्कुल अच्छे तरह से प्रस्तुत करते हैं, दर्शाते हैं किसको, द इडियोसिंक्रेसीज ऑफ पीपल, लोगों की सनक को। इडियोसिंक्रेसी मतलब होता है दोस्तों कि किसी इंसान के अंदर जिस तरह का गुण पाया जाता है, सनक पाया जाता है, या इंसान कुछ करने की जो अंदर एक ललक रखता है, उस ललक को, उस सनक को हम लोग बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी ऑफ द पीपल, लोगों का। विद कंसमेट स्किल, काफ़ी पूर्ण कौशल के साथ, काफ़ी अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए, उनने लोगों के इडियोसिंक्रेसीज को पेंट किया, उसको इलस्ट्रेट किया। हिज वर्क्स इंक्लूड, उनके कामों में से कौन से काम थे, द गाइड एक नॉवेल था, नेक्स्ट संडे कलेक्शन ऑफ एसेज था, है ना, ऐसे जो हैं निबंधों का एक संग्रह था, कौन, नेक्स्ट संडे, एंड लॉले रोड, और ये भी एक कलेक्शन था, एक संग्रह था किसका, शॉर्ट स्टोरीज़ का, छोटे छोटे स्टोरीज़ का, स्नेक इन द ग्रास। अगर हम स्नेक इन द ग्रास की बात करें, द पीस टेकन फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, ये जो टुकड़ा है, ये जो पीस है, वो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, वो एस्ट्रोलॉजर्स डे और अदर स्टोरीज से, दूसरी कहानियों से लिया गया है। ड्रामेटिकली प्रेजेंट्स द अलार्म एंड डिस्टर्बेंस, कहते हैं कि ये जो स्नेक इन द ग्रास है, ये जो चैप्टर है, ये ड्रामेटिकली प्रस्तुत करता है, ड्रामाई अंदाज में क्या करता है, प्रस्तुत करता है, क्या, भय को, एक चेतावनी को, एक भय को, एंड एक 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 डिस्टर्बेंस को, एक एक अशांति को, एक उपद्रव को, किसका, कॉज्ड बाय इन ए हाउस होल्ड थ्रेटन बाय ए कोबरा, जो कि एक हाउस होल्ड में, एक घर में, एक परिवार में क्या होता है, पैदा किया जाता है, किसके द्वारा, बाय अ कोबरा, एक नाग के द्वारा, एक नाग के थ्रेट, नाग के द्वारा थ्रेटन किया जाता है, मतलब परेशान किया, वैसे थ्रेटन मैंने होता है धमकी देना, बट यहाँ धमकाना नहीं है, चूँकि नाग का वहाँ प्रेजेंस है, नाग वहाँ मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी से लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। इसी चीज़ को आर के नारायण ने काफ़ी अच्छी खूबसूरती के साथ इसको क्या किया है, पेंट किया है, दर्शाया है। द कैरेक्टर ऑफ सम ऑफ द पीपल टेकिंग पार्ट इन द हंट, कहते हैं कि कैरेक्टर, ये जो आचरण है कुछ लोगों का, सम ऑफ द पीपल, जो कि हिस्सा ले रहे हैं, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भाग ले रहे हैं, इन द हंट, किसमें, खोज में, किसके खोज में, डिस्ट्रक्टली रिवील्ड, कोबरा की खोज में जो कुछ लोग भाग ले रहे हैं, है ना, उनकी जो उनका जो आचरण है, है ना, उनका जो आचरण है काफ़ी खुलकर के सामने आता है,
डेक्स्ट्रसली रिवील्ड, डेक्स्ट्रसली का मतलब होता है दोस्तों चतुराई के साथ, होशियारी के साथ, रिवील माने होता है खोलना, है ना, राज खोलना। तो काफ़ी चतुराई के साथ इनके लोगों का, जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं उन लोगों का जो आचरण है काफ़ी, है ना, सामने आता है, उसको वो रिवील करते हैं बहुत अच्छी तरह से। नारायणन ऑल्सो टचेज, ये जो नारायणन है वो इसको भी टच करते हैं, ऑल्सो टचेज जेंटली ऑन द पीपल्स सुपरस्टिशंस। कहते कि ये काफ़ी जेंटली, काफ़ी मीकली, काफ़ी हम्बली, काफ़ी नरमी के साथ वो क्या करते हैं, लोगों के अंधविश्वास को छूते हैं, टच करते हैं। कंसर्निंग स्नैक्स, किसके संबंध में, सांप के संबंध में, मतलब सांप के संबंध में हमारे परिवार में, हमारे समाज में किस तरह की भावना है उसको भी वो छू जाते हैं। एन अंडर करेंट ऑफ आयरनी, एक अंतर प्रवाह, अंडर करेंट में अंतर प्रवाह, एक आयरनी का, एक व्यंग का जो अंतर प्रवाह है जो अंदर चलता रहता है। एंड ह्यूमर, सिर्फ व्यंग का नहीं, ह्यूमर का भी, हास्य का भी। मार्क्स मैनी ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन इन द स्टोरी, मार्क मैंने चिन्हित करता है बहुत सारे ऐसे सर्वेक्षणों को जो कि इस स्टोरी में दर्शाया गया है, है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, है ना, इस स्टोरी में ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल हास और व्यंग के तौर पर आपको नज़र आएगा। क्लियर है सर? तो ये था आर के नारायण के बारे में। तो चलिए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। आप जल्दी देखिए कि इसमें हम लोग कहना क्या चाहते हैं। स्नेक इन द ग्रास ऑन ए सनी आफ्टरनून, कहता है कि एक दोपहर के बाद का एक सनी आफ्टरनून है, काफ़ी धूप है। सनी माने धूप वाला, आफ्टरनून माने दोपहर के बाद का धूप वाला समय है। वहीं द इनमेट्स ऑफ अ बंगलो, कहता कि एक बंगलो का, एक कोठी के जो लोग वहाँ जो रहते हैं वो लोग, वर एट देयर सिस्टा ए साइकिलिस्ट रैंग हिज बेल, कहते कि दोपहर के बाद जो लोग खाना खा करके किसी बंगलो में, है ना, वहाँ की इनमेट्स मैंने वहाँ जितने लोग रहते हैं, वर एट देयर सिस्टा सीएस्टा। सीएस्टा का मतलब होता है दोस्तों कि गरम गरम मुल्कों में जब लोग दोपहर का खाना खा करके थोड़ा सा, है ना, आराम करते हैं या फिर लेट जाते हैं, इसी को हम लोग सीएस्टा कहते हैं, ठीक है। तो बंगलों में जो लोग थे वो लोग खाना खाने के बाद, आफ्टरनून के बाद वो लोग सीएस्टा में थे, मतलब वो लोग आराम कर रहे थे। तभी क्या हुआ, साइकिलिस्ट रैंग हिज बेल, तभी एक साइकिलिस्ट ने, एक साइकिल वाले ने अपना घंटी बजाया। क्या किया, घंटी बजाया एट द गेट फ्रेंटिकली, दरवाजे पर, क्या, दरवाजे में आकर के बिल्कुल फ्रेंटिकली पागलों की तरह बिल्कुल बजाया। एंड अनाउंस्ड, और ऐलान किया और बताया, अ बिग कोबरा हैज़ गॉट इनटू योर कंपाउंड, और उसने कहा, उस साइकिल वाले ने, एक बहुत बड़ा कोबरा, बहुत बड़ा सांप आपके कंपाउंड में, आपके अहाते में, आपके कैंपस में क्या हुआ है, घुस आया है, इसने कहा साइकिलिस्ट ने। इट क्रॉस्ड माई व्हील्स, कहते कि ये मेरे चक्कू के सामने से होकर गुजर गया, ना, क्रॉस कर गया। ही पॉइंटेड टू इट्स ट्रैक अंडर द गेट, उनने वो जो गेट था, वो जो कैंपस का जो गेट था उसका, है ना, चिन्ह भी बताया, देखिए देखो सांप, ये जो कोबरा है इधर से हो करके गया है अंडर द गेट। एंड रिज्यूम्ड हिज जर्नी, और फिर वो अपना सफ़र वो दोबारा शुरू कर देता है, मतलब जिधर से आया था गेट पे रुका, उसने ये बात बताई सांप के बारे में कि सांप अंदर घुसा है, उसका चिन्ह भी आप लोग देख लीजिए, ये कहा, फिर वो अपनी साइकिल लेकर वो चलता बना, रिज्यूम मैंने दोबारा शुरू किया अपने जर्नी को, अपने सफ़र को जिधर वो जा रहा था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये बोल रहा है पैराग्राफ टू में, द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ द मदर एंड हर फोर सन्स, कहता कि उस फैमिली में, उस परिवार में, है ना, कितने लोग थे, कंसिस्टिंग ऑफ द मदर, उसमें मॉम थी, उनकी माँ थी, और उनके चार बेटे थे। असेंबल एट द गेट, वो चारों के चारों, और चार बेटे और उसकी माँ गेट पर जमा हो गई, असेंबल हो गई, इन ग्रेट एजिटेशन, काफ़ी कोलाहल में, काफ़ी हंगामे के साथ, कौन लो एजिटेशन में, हंगामा, परेशानी के साथ। क्लियर है? तो ओल्ड सर्वेंट दासा वॉज स्लीपिंग इन द शेड, कहते कि वो जो बूढ़ा सर्वेंट था, बूढ़ा जो सर्वेंट था, नौकर था, वो सो रहा था कहाँ, इन द शेड, ओसारा में। ओसारा माने पोर्च होता है, पोर्च शेड, जहाँ ऊपर से कुछ लगा देते हैं और वो लोग सोने के लिए, मतलब या आराम करने के लिए होता है, उसको हम लोग शेड कहते हैं दोस्तों, हिंदी में हम लोग छावनी कह सकते हैं। तो शेड में क्या किया, वो सो रहा था, कौन, इसका बूढ़ा नौकर, कौन, दासा। तो शुक हिम
आउट ऑफ हिज स्लीप, उन लोगों ने, उनके बेटों ने उनको शुक किया, हिलाया, है ना, आउट ऑफ हिज स्लीप, उसके नींद से उसको हिलाया, उसको जगाया, एंड अनाउंस्ड, और ऐलान किया और बोला और कहा टू हिम, किसको, दासा को कहा, दास को कहा, द अराइवल ऑफ ए कोबरा, किसके बारे में बताया कि कोबरा यहाँ हमारा, कोई नाग हमारे यहाँ पहुँच चुका है, इसलिए इसको तुम देखो, देर इज़ नो कोबरा, कोबरा उबरा नहीं है, सांप वाँप नहीं है, ही रिप्लाइड एंड ट्राइड टू डिसमिस द मैटर, वो नौकर जो है, वो बुरा नौकर कौन, दास है ना, वो उसने कहा कि यहाँ कोई कोबरा सोबरा नहीं है, कोई सांप वाँप नहीं है, वो इस बात का जवाब दिया एंड ट्राइड टू डिसमिस द मैटर, और उसने इस बात को डिसमिस करने की कोशिश की, खारिज करने की कोशिश की, द सोर एट हिम, उन लोगों ने ना कसम खाया है ना उसके सामने, और फोर्स किया, उसको मजबूर किया, हिम टू टेक एन इंटरेस्ट इन द कोबरा, उन्हें कहा कि सांप में इंटरेस्ट लेने के लिए, सांप में रुचि लेने के लिए, सांप की बात बोलने के लिए, उसको क्या किया गया, क्या गया, क्या किया गया, दासा को मजबूर किया गया, फोर्स किया गया, द थिंग इज समथिंग हेयर, द थिंग इज समथिंग हेयर, कुछ है यहाँ, द थिंग इज कुछ तो बात है, समथिंग हेयर, यहाँ कोई बात है, इफ़ इट इज़ नॉट फाउंड बिफोर द इवनिंग, अगर ये शाम से पहले इस सांप को ढूंढा नहीं जाता है, इसको प्राप्त या पाया नहीं जाता है, वी विल डिसमिस यू, कहता हम लोग तुमको डिसमिस कर देंगे, ये चारों के चारों किसको बोल रहे हैं, अपने बूढ़े नौकर को, किसको, दास को बोल रहे हैं कि हम तुमको डिसमिस कर देंगे नौकरी से, यू नेग्लेक्ट ऑफ द गार्डन एंड द लॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज ड्रेडफुल थिंग्स कमिंग इन, योर नेग्लेक्ट ऑफ द गार्डन, कहता है कि तुम्हारी जो लापरवाही है ना, ये गार्डन की जो तुमने लापरवाही है ना करी है, एंड द लॉन्स, और इन लॉन्स की, इन मैदानों की, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज, कहता कि तुम ये जिम्मेदार है, जितना तुमने गार्डन और लॉन्स के बारे में, ये जो मैदान है या फिर ये जो गार्डन है, इसके बारे में तुमने क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है, काफ़ी लापरवाही दिखाई है, कौन कहते हैं, वो उसके बेटे किसको बोल रहे हैं, वो जो बुरा नौकर है, दास, उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारी लापरवाही के कारण सब हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है फॉर ऑल दीज ड्रेडफुल थिंग्स कमिंग इन, कि जितने भी खतरनाक चीज़ें, भयानक, ड्रेडफुल मतलब भयानक, भयानक चीज़ें जो आ रही हैं, जो हो रही हैं, ये पूरी की पूरी तुम्हारी ये लापरवाही जिम्मेदार है, ठीक है, सम नेबर्स ड्रॉप्ड इन, तभी कुछ पड़ोसी भी वहाँ पर जमा हो गए, ड्रॉप्ड इन माने आ गए, दे लुक्ड अक्यूजिंग एट दास, वो लोग भी आकर वो जो बूढ़ा जो नौकर था दास, उस पर वो इल्ज़ाम लगाने लगे, अक्यूज़ करने लगे, वो उसको देखने लगे, मतलब इल्ज़ाम लगाने वाले नज़रों से उसको देखने लगे, यू हैव द लेजिएस्ट सर्वेंट ऑन अर्थ, कहते कि तुम, वो उनके पड़ोसी लोग कहते हैं उसको, उस मकान के बुढ़िया को या फिर उनके बच्चों को, कि तुम्हारा जो नौकर है ना, इज़ द लेजिएस्ट सर्वेंट ऑन अर्थ, कहता धरती पर सबसे ज़्यादा सुस्त नौकर है, सबसे ज़्यादा है ना सुस्त नौकर है, लेजी है, दे सेड, उन लोगों ने कहा, ही आउट टू कीप द सराउंडिंग्स टाइडी, उन लोगों ने कहा कि इस मिस्टर दास को, जो हमारा नौकर है, इसको चाहिए था कि वो आसपास की चीज़ों को, सराउंडिंग्स को, है ना, लॉन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए था, टाइडी बने होता है साफ़ सुथरा, ठीक है, आउट टू कीप रखना चाहिए था द सराउंडिंग्स क्लीन, आसपास के जगहों को काफ़ी साफ़ रखना चाहिए था, टाइडी रखना चाहिए था, आई हैव बीन आस्किंग फॉर ए ग्रास कटर फॉर मंथ, सिर दासा, अब बुरा नौकर दास कह रहा है कि आई हैव बीन आस्किंग, मैं मांगता आ रहा हूँ बहुत दिन से फॉर ए ग्रास कटर, एक घास काटने वाले मशीन को मैं मांगता आ रहा हूँ बहुत दिन से कि मुझे ला करके दो, महीनों से मांग रहा हूँ ताकि मैं इस घास को काट सकूँ, इसकी सफाई रख सकूँ, इन वन वॉइस दे ऑर्डर्ड हिम टू मैनेज, एक आवाज़ में उन सारे लोगों ने कहा था कि तुम इसको मैनेज करो, ऑर्डर दिया था दास को कि तुम इसको मैनेज करो, तुम इसको अरेंज करो विद द अवेलेबल थिंग्स, जो भी दस्तियाब है, जो भी उपलब्ध है, उसी से तुम अपनी सफाई करो, जो भी करना है करो, लेकिन नया कुछ मांगो मत, एंड लर्न नॉट टू मेक डिमांड्स, और बिल्कुल भी डिमांड मत करो, मांग मत रखो कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए,
जितना अवेलेबल है, जितना उपलब्ध है, जितना दस्तयाब है, उसी से तुम अपना काम चलाओ। ही परसिस्टेड, है ना, उसने परसिस्ट किया, जिद किया, जोर डालकर कहा। दे बिगेन टू स्पेकुलेट हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू बाय अ ग्रास कटर। उन लोगों ने बिगेन टू स्पेकुलेट मतलब आशा करना शुरू किया, अनुमान लगाना शुरू किया। स्पेकुलेट मतलब होता अनुमान लगाना, गेस करना शुरू किया। हाउ मच इट वुड कॉस्ट, कहता है कि इसकी कीमत कितनी होगी। उनने कहा ना कि मैं बहुत दिन से क्या मांग रहा हूँ, एक ग्रास कटर मांग रहा हूँ, घास काटने वाला मांग रहा हूँ। तो अब वो लोग कह रहे हैं सांप के डर से कि बताओ कि इसका दाम कितना है, इसका कॉस्ट कितना आएगा टू बाय अ ग्रास कटर। अ नेबर डिक्लेयर्ड, एक पड़ोसी ने डिक्लेयर किया, कहा दैट यू कुड नॉट थिंक ऑफ बाइंग एनी आर्टिकल मेड ऑफ आयरन। कहते कि तुमको नहीं सोचना चाहिए, यू कुड नॉट थिंक, तुमको नहीं सोचना चाहिए ऑफ बाइंग एन आर्टिकल, कोई सामान खरीदने का, और वो सामान जो मेड ऑफ आयरन, जो कि लोहे का बना हुआ हो। पड़ोसी ने कहा कि तुम लोगों को लोहे का कुछ भी बना हुआ है जो हो, उसको ख़रीदने का प्लान नहीं बनाना चाहिए या फिर नहीं सोचना चाहिए। टिल आफ्टर द वार, जब तक कि ये वार है, ये जो जंग चल रही है, ये जो है ना युद्ध चल रहा है, जब तक ये समाप्त ना हो जाए। ही चैंटेड बनालिटीज ऑफ वार टाइम प्राइसेस, मतलब जब वार टाइम होता है, युद्धकाल होता है, तो चीज़ें क्या होती हैं, महंगी हो जाती हैं, दिन बहुत मुश्किल हो जाते हैं, सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो वार है, ये जो युद्ध है, इस काल को गुजरने दो, क्योंकि इस वक्त जो है ये वार टाइम है, युद्ध काल है, और इस युद्ध काल में सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। इसलिए वो चैंट कर रहा है, वो गा रहा है, वो कह रहा है बेनालिटीज़ मैंने डलनेस, है ना किसकी, वार टाइम प्राइसेस के डलनेस को बता रहा है। मतलब वार टाइम में, युद्ध काल में जितनी भी चीज़ों का दाम बढ़ जाता है, दामों के बारे में वो क्या कर रहा है, बयां कर रहा है, जिक्र कर रहा है। कौन उसका पड़ोसी, द सेकेंड सन ऑफ द हाउस, कहते कि घर का जो दूसरा बेटा था, असर्टेड, जोर डालकर कहा, काफ़ी ज़ोर से, है ना, कहा दैट ही कुड गेट एनीथिंग ही वांटेड। उसने कहा कि ही कुड गेट एनीथिंग, कि वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है, एट कंट्रोल प्राइसेस, और वो भी नियंत्रित दामों में, नियंत्रित मूल्य में, वो जो भी चाहे उसको प्राप्त कर सकता है। किसने कहा, उस घर के दूसरे बेटे ने, सेकेंड बेटे ने कहा। द नेबर बिकेम एलोक्वेंट ऑन ब्लैक मार्केट, अब जो वो जो नेबर था, वो जो पड़ोसी वहाँ मौजूद था, वो काफ़ी एलोक्वेंट हो गया, काफ़ी बोलने लग गया, जोर से बोलने लग गया ऑन ब्लैक मार्केट, काला बाजारी पर। किस पर बोलने लग गया, काला बाजारी पर। हीटेड डिबेट फॉलोड, फिर उसके बाद एक काफ़ी गर्मा गर्म जो एक बहस है वो बिल्कुल शुरू हो गया। द रेस्ट वॉच्ड इन अपैथी, और बाकी लोग जो वहाँ खड़े थे, वो लोग बिल्कुल है ना बिना इंटरेस्ट के, अपैथी मैंने विदाउट इंटरेस्ट, वो लोग विदाउट इंटरेस्ट सिर्फ उन दोनों को वॉच करने लगे, देखने लगे। एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर द कॉलेज बॉय ऑफ द हाउस बटेड इन, वो जो घर में जो कॉलेज का लड़का था, जो कॉलेज में पढ़ता था, वो बिल्कुल उसमें घुस आया, है ना, उस डिबेट में, उस गर्मा गर्म बहस में वो भी घुस आया, वो भी अंदर आ गया। बटेड इन का मतलब होता घुसाना। आई रीड इन एन अमेरिकन पेपर, कहते कि मैं पढ़ता हूँ किसी अमेरिका के न्यूज़पेपर में, दैट 30,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट एवरी ईयर, कहते कि 30,000 लोग हर साल स्नेक बाइट से, सांप के काटने से मर जाते हैं। मदर थ्री ऑफ आर्म्स, माँ ने बाहें फैलाई इन हॉरर, डर में, है ना, और एंड ARRAIGN बना होता है दोष लगाना, है ना, वो अरेग्न नहीं है, अरेन है, अरेन, है ना, अरेन एंड अरेन दासा, और उसने अपने नौकर, जो बुरा नौकर था, उस पर वो इल्ज़ाम लगाने लग गई, दोष लगाने लग गई। द बॉय एलेबोरेटेड द स्टैटिस्टिक्स, और वो जो लड़का था, जो कॉलेज का लड़का था, जो उस डिबेट में, गर्मा गर्म डिबेट में घुस आया था, उसने एलेबोरेट करना चालू कर दिया, खोल खोल कर बताना चालू कर दिया, व्याख्या करना चालू कर दिया, और वो स्टैटिस्टिक्स बताने लगा, वो सांख्यिकी को बताने लगा। आई हैव वर्कड इन आउट, वो कहने लगा कि आई हैव वर्कड इट आउट,
कहता कि मैंने इसको सॉल्व कर लिया है 83 अ डे, कहता हर दिन 83 दैट मीन्स एवरी 20 मिनट्स, कहता कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 23 मिनट्स पे, प्रत्येक 20 मिनट मतलब प्रत्येक 20 मिनट पे समवन इज डाइंग ऑफ कोबरा बाइट, कोई ना कोई प्रत्येक 20 मिनट में सांप के काटने से मर जाता है। कौन कहता है? वो लड़का अपना स्टैटिस्टिक्स बता रहा है। एज़ वी हैव बीन टेकिंग हियर, जैसा कि हम लोग यहाँ पर हैं, अभी मौजूद हैं, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, वन पर्सन हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ समवेयर, कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं स्नेक बाइट से, कोबरा के काटने से, सांप के काटने से मर चुका होगा। कहते कि जितनी देर से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, कोई आदमी कहीं ना कहीं मर चुका होगा। मदर नियरली स्क्रीम्ड ऑन हियरिंग इट, माँ जो है वो बिल्कुल लगभग चिल्लाने लग गई, स्क्रीम मैंने चिल्लाना, चिल्लाने लग गई ऑन हियरिंग इट, इस बात को सुन करके उसकी माँ चिल्लाने लग गई। द कंपाउंड लुक्ड सिनिस्टर, वो जो कंपाउंड था, वो जो अहाता था, वो जो कैंपस था, लुक्ड सिनिस्टर, बिल्कुल भयावह लग रहा था। सिनिस्टर मैंने भयावह, मनहूस, इसको हम लोग अशुभ कहते हैं, सिनिस्टर, वो अशुभ लग रहा था उसकी माँ को। द बॉयज ब्रॉट इन बैम्बू स्टिक्स, उन चारों लड़कों में से उन लड़कों ने बैम्बू स्टिक्स, बांस के डंडे है ना, लिए लाए एंड है ना प्रेस्ड वन इन टू द हैंड्स ऑफ द सर्वेंट ऑल्सो, और उन्हें क्या किया, सर्वेंट के हाथ में भी थमा दिया एंड प्रेस्ड वन इन टू द हैंड्स ऑफ द सर्वेंट ऑल्सो, उसको भी घुसा दिया उसके हाथ में, किसके, बुरा जो नौकर था वो कौन था, दासा, उसको भी दे दिया। ही केप्ट डिजल्टरीली पोकिंग इट इन टू द फॉलियज विद ए सिनिकल एयर, कहता है कि वो केप्ट डिजल्टरीली, डिजल्टरी मैंने होता है अव्यवस्थित रूप से, अव्यवस्थित रूप से मतलब बेतरतीबी से, मतलब हैप हैज़र्ड मैनर में, जिगजैगिंग वे में, मतलब सीधा सीधा नहीं, हैप हैज़र्ड मैनर में, मतलब अव्यवस्थित रूप से, बेतरतीबी से, डिजल्टरीली पोकिंग मैंने घोंपना, पोकिंग मैंने पुश करना, इट टू इन टू द फॉलियज, वहाँ जो पत्ते गिरे हुए थे उस पर वो लाठी से, बैम्बू स्टिक से उसको घोंप रहा था, उसको है ना पुश कर रहा था विद ए सिनिकल एयर, बिल्कुल पागलपंती में, एकदम अपने झक में वो लोग बिल्कुल इस तरह से पुश करता जा रहा था। फॉलियज बने होता पत्ता है ना। द फेलो इज बीटिंग अबाउट द बुश, कहता है कि फेलो मैंने साथी, दोस्त, वहाँ का जो साथी था, ही वॉज बीटिंग अबाउट द बस, वो इधर उधर की बातें कर रहा था। समून क्राइड एप्टली मैंने एकदम जल्दी जल्दी में है ना, समून क्राइड एप्टली का मतलब होता है एकदम जल्दी में, बहुत जल्दी में एकदम चिल्लाया। दे टक्ड अप देयर धोतीज, उन लोगों ने अपनी अपनी धोतियों को क्या किया, धकेलना चालू किया, टकअप कर लिया, बांध लिया। सीज एवरी अवेलेबल नाइफ, और उसने पकड़ लिया जो भी वहाँ उसको मिला, जो भी वहाँ उपलब्ध नाइफ था, चाकू था, उसको वो लोग क्या क्या पकड़ लिया। एंड क्रोबार, और जिससे कौवा भगाते हैं हम लोग, उसको बोलते क्रोबार, इसको हिंदी में हम लोग सब्बल भी कहते हैं, सब्बल को उसने उठा लिया। एंड बिगेन टू हैक द गार्डन, और उसने उस गार्डन को हैक करना, डंडों से मारना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, चालू कर दिया, क्यों, सांप को पकड़ने के लिए। क्रीपर्स बुशेज एंड लॉन्स, क्रीपर्स का मतलब होता है वो घास, छोटे छोटे घास जो मैदान में थे। क्रीपर्स बुशेस, जो झाड़ियाँ थीं, एंड लॉन्स, वो जो मैदान था, वर लेड लो, सबको पीट पीट करके डंडा से नीचे कर दिया गया। व्हाट कुड नॉट बी ट्रिम्ड वाज कट टू द रूट, जो ट्रिम नहीं हो सका, चूँकि उसका नौकर ग्रास कटर मांगा था उसको ट्रिम करने के लिए, छांटने के लिए, जो छांटा नहीं गया वाज कट टू द रूट, उसको पूरी तरह से जड़ से क्या किया गया, काट दिया गया। द इनर वॉल ऑफ द हाउस, जो घर का जो अंदरूनी दीवार था, आंतरिक जो दीवार था है ना, ब्राइटन विद द अनऑब्स्ट्रक्टेड ग्लेयर स्ट्रीमिंग इन, कहता है कि वहाँ का जो बुशेस को जो साफ कर दिया, लाठी मार मार करके, पुश करके उसको झाड़ दिया, तो अंदर की जो दीवार है वो क्लियर दूर से क्या हो रही थी, दिख रही थी, चमक रही थी, ब्राइटन इन द, वो चमक रही थी इन द विद द अनऑब्स्ट्रक्टेड ग्लेयर स्ट्रीमिंग इन।
ऑब्स्टेकल बने होता है बाधा, मतलब अबाधित जो जो चमक था वो दूर से दिख जाता था, क्योंकि वहाँ के घास हट चुके थे तो घर की अंदरूनी दीवार भी उसको दिख रही थी। क्यों ऐसा किया इन लोगों ने, सांप को पकड़ने के लिए या फिर मारने के लिए? चलिए अब हम लोग चलते हैं। When there was nothing more to be done, जबकि ऐसा वहाँ कुछ करने का नहीं था, दासा आज ट्रायम्फेंटली, दासी ने, वो जो बुरा नौकर था, उसने पूछा बिल्कुल विजयी तौर पर, मतलब जीत ऐसा लग रहा था कि वो जीत गया ट्रायम्फेंटली, वेयर इज द स्नेक, का फिर सांप कहाँ है? सबको मार मार करके जंगलों को बिल्कुल जड़ से हटा दिया और अंदर की दीवार दिखने लग गई। फिर वो जीते हुए अंदाज में बोला, कौन? दास, जो बुरा नौकर था, वो कहा कि कहाँ है सांप? वेयर इज द स्नेक, सांप कहाँ है? तो चलिए दोस्तों, ये आपका जो फर्स्ट लेक्चर था कंप्लीट होता है, वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट टाइम इसको हम लोग पूरा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।